एनसीआर के लोग वीकेंड पे जाते कहाँ पे हैं? पहाड़ों पे। एग्जैक्टली वहीं जाते हैं, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजस्थान। ये है आज सुबह का मौसम। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब ये मज़ा आ गया बेसिकली। अमेजिंग वेदर, वीकेंड स्टार्ट तो एक ट्रिप बनता है, काफ़ी टाइम हो गया ट्रिप किए हुए, तो एक शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं हम लोग, वीकेंड ट्रिप। उसके बाद एक लॉन्ग ट्रिप का प्लान है, उसके बारे में बताएंगे आपको। आधे लोग आप ये बोलोगे इतनी गर्मी राजस्थान, ट्रू, बट आज मौसम बड़ा अच्छा है और राजस्थान में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अगले 3 दिन बारिश का मौसम वेदर फोरकास्ट है बेसिकली। तो आई होप कि वो ऐसे ही रहे, अदरवाइज अगर गर्मी पड़ गई तो हमारी ट्रिप की समझ जाओ। पर राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर। 2 दिन की ट्रिप है यार। मेरा कज़न आर्मी ऑफिसर है, हम वहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं हम लोग अलवर। अब आपको ज़रा 3 घंटे मिलते हैं। नाउ आई एम रेडी। शेव करने के बाद थोड़ा सा मतलब 4 साल पीछे चले गए हैं ऐसा लग रहा है। अब फटाफट निकलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं गाड़ी में। सो फाइनली निकल रहे हैं, ज़रा एक बार फिर कपड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइम गया है खड़े खड़े, बट मोर लेस काफ़ी क्लीन है। और उससे पहले बाहर गाड़ी खड़ी है, उसे भी हटाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा भसड़ हो गई थी, मुझे गाड़ी के पेपर नहीं मिल रहे थे और पेपर मेरे लैपटॉप बैग में थे, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो अब चलते हैं ज़रा और लेते हैं माता रानी का नाम। बोलो माँ अम्बे की जय, जय भोले शिव शंकर। वैसे कुछ खाया नहीं हम दोनों ने, एक चिप्स का पैकेट खाया है, दैट्स अबाउट इट। मैं पनीर रैप ले रही हूँ और तुम लोगे बर्गर। सो फाइनली वी हैव प्लेस्ड आवर ऑर्डर। भाई मतलब भूख के मारे ना जान निकल गई थी, थोड़ी देर और रुकते तो अपना काम हो जाता, पेट में ना गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। सो हम लोग अभी अलवर भिवाड़ी हाईवे पे हैं और यहाँ से अराउंड अबाउट 88 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं जीपीएस देख रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं मैं चार्ज चेक कर रहा था, तो डेढ़ घंटे से पहुँच जाएंगे हम लोग। एंड मोर लेस सबसे अच्छी बात मैडम, मौसम फाड़ हो गया है। या, मौसम अच्छा हो, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है। एंड अपनी सिस्टर को मैंने फ़ोन किया था, तो कह रही है वहाँ पे हो रही है धनाधन बारिश, झमाझम बारिश, नॉट धनाधन बारिश। ठीक कर लेते। सो फाइनली कुछ खाना मिला है हमें। हम सुबह 8-8:30 बजे उठ गए थे और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2। आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे यू विल दिखाई नहीं दे रहा मेरे फोन में, जरा फोन क्या दिख रहा है लेफ्ट, जरा फोन अपग्रेड किया जाए। वो यहाँ पे है अरावलीस, दिस इज नाइस। यस सामने देखो हमारा फोन अपग्रेड हो चुका है, अब रिकॉर्डिंग उससे होगी। सो या रह गया 40 मिनट का रास्ता, बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो मौसम की हल्की हल्की धूप आ गई और साथ में अरावलीस, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैडम को लगी है भूख फिर से। ओह प्लीज, मैंने कब बोला मेरे नाम पे पर्चे मत फाड़ो तुम। तो फिर ठीक है चिप्स निकाल लो। फाइनली द क्लोजर लुक। अलवर, अरावलीस का अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक नगर है। अलवर नगर दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर साउथ में और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसे हम दिल्ली NCR के नाम से जानते हैं। अलवर कई किलो, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडार के साथ पर्यटन का एक केंद्र भी है। अलवर में घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि अलवर का भानगढ़ किला जो अपने भूतिया कहानी के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा वहाँ पे सिलसर लेक, बाला किला,
मूसी महारानी की छतरी, बहुत सारे घूमने की और भी जगह हैं। मैं इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में आपको ऐसी कई जगहों पे लेके जाऊंगा, तो वीडियो में मेरा साथ दीजिए और बने रहिए। जय श्री राम। अलवर अपने हिस्ट्री के लिए बहुत ही जाना माना है। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा जय सिंह प्रभाकर। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। किस्सा 1920 के आसपास का है। जय सिंह लंदन में थे और वह एक दिन राजा की पोशाक छोड़कर आम कपड़ों में लंदन घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी नज़र रॉयल्स रॉय के शोरूम पर पड़ी। शोरूम के अंदर खड़ी एक लग्जरी गाड़ी राजा को पसंद आ गई, परंतु उनके कपड़े देख कर उनके कर्मचारियों ने उनको पहचाना नहीं और उनको वहां से जाने के लिए बोल दिया। इस बात से महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने एक बदला लिया, जिसे हम रॉयल्स रॉय की कहानी कहते हैं। उन्होंने रॉयल्स रॉय की बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खरीदने का ऑर्डर दिया और कहते हैं कि इसकी पेमेंट उन्होंने फुल कैश में की। और जब उनके कर्मचारी बहुत खुश हुए, तब उन्हें पता नहीं था कि राजा इन गाड़ियों का क्या करने वाले हैं। जब ये गाड़ियां भारत आई तो राजा जयसिंह ने ये सभी गाड़ियां नगर पालिका जैसे म्यूनसिपालिटी को सौंप दिया और उनको आदेश दिया कि इसे कचरा उठाया जाए। ऐसा होने के बाद कई दिनों बाद रॉयल्स रॉय के मालिक ने उन्हें पत्र लिख के माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने कचरा उठवाना इन कारों से बंद किया। तो यह एक रोचक कहानी है अलवर की। और वी थॉट ऑफ गेटिंग सम फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैंने पहली बार देखा केले किलो के भाव में मिल रहे हैं राजस्थान में। आई डोंट नो कंप्लीट राजस्थान, बट यहाँ तो एटलीस्ट दिस इज डिफरेंट फॉर मी एंड दिस इज न्यू फॉर। सो फाइनली अब हम लोग आर्मी कैंप में एंटर हो रहे हैं, तो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। थोड़ा पॉज हो गया इसलिए हम लोग ना दिस इज लवली। ये है विजय पटेल का नाइस, और ये है हमारा इक्टराना पैलेस। ये देखो, सो बेसिकली ये आर्मी के अंदर ही आ रहा है ना। हां, आर्मी के अंदर है ये। देखो यहाँ पे है ही नहीं ना भीड़। अगर लोग आते हैं घूमने। वाओ यार, दिस इज नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। बंद सही लग रहा है यार। सरिस्का रिजर्व। सोचो टूरिज्म के नाम पे देखना साइड में। इनको ऐसे रखते भी हैं लोग ताकि थोड़ा सा रॉ दिखाई दे, बट कूड़ा है, पत्थर हो तो समझ आता है। फेंक दिया उन्होंने, फिर आने वाले हम ही है ना। हाँ, गंदगी तो आप वहाँ देखते हो। बहुत मतलब था यमुनोत्री में बहुत ही बुरा हाल। बैठने की जगह है, इतनी दूर लोग, इतने बुढ़े बुढ़े लोग जा रहे हैं, एक कमरा तक नहीं है। जो वहाँ के पंडित जी लोग थे वो अपना आराम से बैठे हैं एसी वीसी लगा के। हाँ। बाकी जनता बेचारी मर रही है। एक अंकल को तो वहीं हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, और एक आंटी घोड़े से गिरी, अपना सर फट गया था। मतलब बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। तो हमारे भविष्य के बच्चे देखो खेलते हुए गेम। भाई बहुत गुस्से में रहते हैं। देखो ये देखो, ये देख लो फोन ना ले ले इससे, है ना काशवी। हाथ तो नहीं बढ़ेगी चिर गई तो। अंकल आ रहे हैं मुझे वाले को। इटराना कैंट है ना ये अपना। हाँ, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। हमारी यहाँ पर्ची कटी है 708 रुपए की। हम लोग पहुंच गए दधीकरी फोर्ट पे। सो दिस इज हाउ दे हैव डेकोरेटेड। अभी रात के टाइम ज्यादा शायद समझ ना आए, बट दिस लुक्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आई विल पुट ऑन सम पिक्चर्स। मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा आसपास दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई तो हम लोग ज़्यादा कर नहीं पाए। उसका
So this is the entrance of it. Now look at this. This is the top view of the fort. Basically इस fort को convert किया हुआ है एक restaurant कम resort में. But this is the night view is amazing. दिन के time तो सारे fort आप लोगों को पता ही है एक जैसे लगते हैं, but this is something nice. And this is so called a haunted fort as well. ये मेरे को पता नहीं है, ये मैंने पढ़ा है. So ये rooms हैं यहाँ पे रहने के लिए. मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सभी धीरे बोल रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे रूम्स हैं. रूम रेंट कुड वेरी फ्रॉम 5000 टू 30000 विच जो गार्ड भैया ने बोला था यहाँ पे. बड़े ठीक है, वन टाइम यू कैन कम. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मेंटेन्ड एक्चुअली. दधीगर फोर्ट आज से लगभग 1100 साल पहले अरावली के पहाड़ों में एक रेजिडेंशियल कैंप की तरह बनाया गया था. बाढ़ के चलते राजा चांद को अपनी राजधानी अभार नगरी को छोड़कर यहाँ आना पड़ा. डेरा शब्द का अंग्रेजी में मतलब है कैंप. तब से इस महल का नाम डेराकर हो गया, जो धीरे धीरे बदलकर आज दधीगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है. बाद में वह शाही परिवार यहाँ से बाला किला चला गया, जिसे आज अलवर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. आज दधीगर फोर्ट एक पर्यटन स्थल है और होटल के रूप में काफी विख्यात है. थोड़ा तो मतलब फटे घर में, अगर अभी थोड़ी देर पे लाइट भी गई थी यहाँ पे. तो यहाँ पे रूम से नाम भी दिए इन्होंने हर एक रूम के अलग अलग, जैसे कि है कादम वन, कांदली वन. तो मुझे बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में माफ कर देना अगर कोई देख रहा हो उस वीडियो को, और गुस्सा मत करना बस. वाह, मैं नहीं जा रहा ऊपर. सो फाइनली एक रूम मिल गया है देखने के लिए. ओह सो काफी शॉर्ट हाइट सिटिंग एरिया, एक स्मॉल बेडरूम, बेड. देखो हमारे काबिल बच्चे. फोन छीनते ही इनका रौद्र रूप बाहर आ जाता है. सबसे अच्छी बात इस विजिट की है कि बारिश का मौसम है अगले 3 दिन तक. तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट. एंड ये सेक्शन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये जो एरिया ये रेस्टोरेंट है. एंड दिस इज फॉर विजिटर्स. और बैक साइड में एक और रेस्टोरेंट है विच इज फॉर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं बेसिकली. तो हम लोग एक चाय मारेंगे देन निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ और प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है वहाँ पे. अब ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, देखो गुमनाम हो गया बेटा यहाँ पे. तो जरा फोर्ट में नो लाइट. हाँ मामा कुछ नहीं होता, कोई अकेले रास्ते में जा रहा हूँ. ये कितना अंधेरा है इसे पता लग सकता है. लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जिस तरह से मैंने इस बार प्रेजेंट किया है अपने ट्रेवल को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप, अगर पसंद आया तो डू कमेंट. मैं इस तरह की वीडियोस फर्दर बनाऊंगा अपने ट्रैवल की. अपनी ट्रैवल वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी उन जगहों के बारे में दिखाने के अलावा. चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर लो यार. 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद. तब तक के लिए अडियोस.